फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि सदियों पहले द ग्रेट नुओ नाम की सबसे पहली आग हेवेनली किचन में जलाई गई थी, जिसने संसार के सभी खाद्य पदार्थों का निर्माण किया और उसमें शक्तिशाली जादुई फाइव फ्लेवर स्टोन ने अपना अनूठा खट्टा मीठा कड़वा मसालेदार और नमकीन स्वाद दिया। हजारों सालों तक सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा, लेकिन एक दिन कुंग पाओ नाम का एक जायंट चिकन आसमान से आ गिरा और उस स्टोन की शक्ति से सभी लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन तब ग्रैंड मास्टर लुचैन ने अपनी साहस और बहादुरी से दुनिया को उस दुष्ट चिकन कुंग पाओ से बचाया। कुंग पाओ के साथ मास्टर लुचैन की फाइट कई दिनों तक जारी रही और उनकी इस फाइट के दौरान ही वो पावरफुल फाइव फ्लेवर स्टोन कहीं खो गया। अंत में मास्टर लुचैन ने उस चिकन पर विजय पा लिया और उसे लेक ऑफ सूप में बदल दिया, इसलिए वहां के लोग उन्हें अपना हीरो मानने लगे। इसके बाद हम मूवी के मेन कैरेक्टर बाओ को देखते हैं, जो मार्शल आर्ट सीख रहा होता है। तभी उसके मास्टर वहाँ आ जाते हैं, जो उससे कहते हैं कि आज से तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हुई और उसे सुपर बाओ की उपाधि देते हैं। अपनी ट्रेनिंग खत्म होने की बात सुनकर बाओ बहुत हैरान होता है, क्योंकि अभी भी वो बहुत कुछ सीखना चाहता था। लेकिन उसके मास्टर उसे दुनिया की बुराइयों से लड़ने के लिए भेजते हैं और उसे मास्टर लुचैन का पावरफुल वेपन स्टाफ ऑफ डेस्टिनी देते हुए कहते हैं कि मास्टर लुचैन ने इस वेपन से दुनिया को बचाया था और अब तुम्हारी बारी है सुपर बाओ। मास्टर की बात सुनकर बाओ इमोशनल हो जाता है और उसे ना चाहते हुए भी अपने मास्टर के कहने पर वहाँ से जाना पड़ता है। इसके बाद वो कई पर्वतों को पार करते हुए एक सी पोर्ट पर पहुँचता है, जहाँ वो एक बैटल शिप को देखता है और वहीं एक अनाउंसर अनाउंस करता है कि जो कोई भी सामुराई योद्धा साइमन को हराएगा उसे बैटल शिप पर जाने का मौका मिलेगा। ये सुनकर बाओ बहुत खुश होता है, क्योंकि बैटल शिप पर जाकर उसे अपनी बहादुरी साबित करने का ये सबसे अच्छा मौका लगता है। इसलिए जैसे ही वो ये अनाउंसमेंट सुनता है, साइमन से लड़ने के लिए आगे पहुंच जाता है और जब उनकी फाइट शुरू होती है तब बाओ अभी तैयार भी नहीं होता, तभी साइमन उसे मार गिराता है और इस प्रकार बाओ बैटल शिप पर जाने का मौका खो देता है। वो अनाउंसर से उसे एक और चांस देने की बहुत रिक्वेस्ट करता है। तभी वहाँ राजकुमारी जोई आ जाती है, जो बाओ से कहती है कि तुम बैटल शिप पर जाने के लिए बिल्कुल काबिल नहीं हो, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सुनने के बाद बाओ बहुत उदास हो जाता है। तभी वहाँ ट्वी आ जाता है, जो उसे उदास देखकर समझाता है कि तुम्हारे पास वास्तव में टैलेंट है। बाओ ट्वी को देखकर सोचता है कि वो किसी बैटल शिप का मास्टर है, इसलिए वो उससे बैटल शिप को ज्वाइन करने के लिए पूछता है। तब ट्वी उससे कहता है कि मैं मास्टर नहीं हूँ और उसे अपने शिप पर लेकर जाने लगता है। ट्वी को उसे दूसरे दिशा की ओर ले जाते हुए देखकर बाओ उससे पूछता है कि क्या हम बैटल शिप पर नहीं जा रहे हैं। तब ट्वी उसे बताता है कि हमारा शिप कोई बैटल शिप नहीं है, बल्कि ये कुकिंग स्काउट शिप है। ये सुनकर बाओ बहुत हैरान होता है, क्योंकि वो हीरो बनने के लिए बैटल शिप पर जाना चाहता था। ट्वी उससे कहता है कि हमारे शिप पर योद्धाओं के लिए काफी भोजन मिलता है, पर बाओ को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तब ट्वी उसे समझाता है कि बैटल शिप के साथ साथ हम भी समुद्र में ही होंगे, पर अगर तुम नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं। पर तब बाओ को समुद्री सफर पर जाने का यही एक मौका लगता है, इसलिए वो ट्वी के साथ चला जाता है। शिप पर ले जाने के बाद ट्वी उससे कैप्टन लुई और उस जहाज के सेफ रोली और डोडो से मिलाता है, जो काफी स्वादिष्ट भोजन बनाया करती थी, इसलिए बाओ उनसे बहुत इम्प्रेस होता है। इसके बाद ट्वी उसे शिप के सारे रूम्स को दिखाता है। अगली सुबह बाओ ओशन व्यू को देखकर बहुत खुश होता है। वहाँ रोली और डोडो उसे फूड नायक का एक बैज देते हैं। बाओ को भी ये बहुत अच्छा लगता है। रात में उन्हें कुछ अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं और अगली सुबह जब बाओ अपने दूरबीन से बैटल शिप को देखता है तो उसे वो सामुराई योद्धा साइमन नजर आता है, जो समुद्र में कुछ गिरा रहा होता है और अगले ही पल वो वहाँ से गायब हो जाता है। और कुछ समय सफर करने के बाद समुद्र में उन्हें एक बहुत ही बड़ा तूफान दिखाई देता है, पर राजकुमारी चोई शिप्स को आगे ले जाती रहने का ऑर्डर देती हैं, इसलिए वो उस तूफान से किसी तरह से बचते हुए आगे जा रहे होते हैं। पर तभी समुद्री लुटेरे उन पर हमला कर देती हैं और एक एक करके सभी को बंदी बना लेती हैं। और हमें पता चलता है कि साइमन भी उन समुद्री लुटेरों से मिला हुआ था
और इतने समय से राजकुमारी को धोखा दे रहा था। इधर बाओ ट्वी और बाकी सभी के साथ मिलकर अपने शिव को संभालने की कोशिश में लगा होता है। उतने में साइमन वहां अपने भाई यामाजाकी के साथ पहुंच जाता है और बाओ की एब्सेंस में उसके सभी साथियों को बंदी बनाकर अपने सरदार लॉर्ड ऑक्टोपस के पास ले जाता है। असल में लॉर्ड ऑक्टोपस राजकुमारी जोई से उसी पावरफुल 5 फ्लेवर स्टोन के ट्रू लोकेशन का मैप लेने आया था, पर राजकुमारी उसे किसी इविल माइंडेड के हाथ नहीं लगने दे सकती थी। बाओ ये सब छुपकर सुन रहा होता है और फाइनली हिम्मत करके लॉर्ड ऑक्टोपस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर लॉर्ड ऑक्टोपस की एक पंच से ही वो दूर जा गिरता है। ऐसे में जब साइमन उसे बंदी बनाने जाता है तो बाओ उसका सामना करता है और उसी फाइट के दौरान वो दोनों एक शिप पर चले जाते हैं जिसके पूरी तरह से नष्ट हो जाने के कारण वो समुद्र में गिर जाते हैं। ये देखकर वहां सभी को लगता है कि वो दोनों मारे गए, पर वो वहाँ से बहते हुए सुरक्षित दूर जा पहुँचते हैं जहाँ साइमन ने बाओ को जंजीर से बंदी बना रखा होता है। बाओ उसे रिहा करने को कहता है पर साइमन उसे अपने रूल बुक के मुताबिक शांत रहने को कहता है। इसके बाद वो दोनों टूटे हुए जहाज के लकड़ियों की मदद से एक छोटी सी नाव बनाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, पर जिस दौरान वो आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वो एक भंवर में फंस जाते हैं जिससे होते हुए वो एक केव में आ पहुँचते हैं। वहाँ से बाहर निकलने पर बाओ वहाँ के नज़ारे को देख कर बहुत इम्प्रेस होता है। वहीं साइमन को एहसास होता है कि लॉर्ड ऑक्टोपस की शिप उनके करीब ही है, तभी मौका पाकर बाओ से अपने हैंडकफ की चाबी ले लेता है, पर उसके हैंडकफ से रिहा होने से पहले ही साइमन भी उस पर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच उस चाबी के लिए झड़प शुरू हो जाती है और वो गिरते हुए एक जंगल में आ पहुंचते हैं। वहीं लॉर्ड ऑक्टोपस ने राजकुमारी जोई के साथ बागियों को भी बंदी बना लिया होता है, जहां मास्टर कू जोई से 5 फ्लेवर स्टोन के बारे में पूछता है जिस पर वो बताती है कि कहावतों के अनुसार हर 1000 सालों में एक वोर्टेक्स ओपन होता है जो कि ऐसे आइलैंड तक ले जाता है जहां 5 फ्लेवर स्टोन सुरक्षित रखा गया है, और राजकुमारी के कीपर के पास वो मैप था जिसके जरिए उस आइलैंड तक पहुंच सकते थे और राजकुमारी को किसी भी कीमत पर लॉर्ड ऑक्टोपस को उस स्टोन को हासिल करने से रोकना था। वहीं साइमन के खो जाने से उसका भाई यामाजाकी लॉर्ड ऑक्टोपस से उसे अपने भाई की तलाश में जाने देने को कहता है, पर लॉर्ड ऑक्टोपस जब उसे बेशुमार दौलत और पावर की लालच देता है तो वो उसके साथ ही रुक जाता है। दूसरी ओर बाओ और साइमन जिस दौरान चाबी के लिए लड़ रहे होते हैं तभी वो चाबी एक पेड़ पर चली जाती है जिसे एक मंकी आकर उठा लेता है, पर जब बाओ से गुस्से से चाबी वापस देने को कहता है तो वो चाबी लगने से नीचे जा गिरता है जिसके तुरंत बाद वहां बहुत से मंकी जा जाते हैं जो उन पर गुस्से से अटैक कर देते हैं। साइमन और बाओ पहले तो बहादुरी से उनका सामना करते हैं पर उनकी तादाद ज्यादा होने से उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है, लेकिन उन्हीं में से एक मंकी उनके साथ आ चुका होता है जो बाओ की काफी कोशिश के बाद भी उसके साथ ही रहता है। रात होने पर वो आग जलाकर जंगल के बीचों बीच थोड़ा आराम करते हैं। वहाँ बाओ साइमन से कहता है कि तुम्हें लॉर्ड ऑक्टोपस के मकसद में उसका साथ नहीं देना चाहिए, एक सच्चा सामुराई वो होता है जो हमेशा सच का साथ दे, इसलिए तुम्हें भी बुराई का साथ छोड़ देना चाहिए, पर साइमन उसकी बात से एग्री नहीं करता। इसके बाद वो दोनों वहीं सो जाते हैं, पर अगली सुबह वो पाते हैं कि जंगल में भयानक आग लग चुकी होती है, इसलिए वो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, पर उसी दौरान आग की लपटों के कारण साइमन की आंखों की रोशनी चली जाती है, पर फिर भी किसी तरह से बाओ से अपने साथ वहां से निकालने में कामयाब रहता है और साइमन की मदद करते हुए उसके साथ आगे बढ़ने लगता है ताकि वो लॉर्ड ऑक्टोपस के शिप तक पहुंचकर अपने साथियों को आजाद कर सके। इस दौरान वो साथ में खूब एडवेंचर भी करते हैं। दूसरी ओर केज में बंद प्रिंसेस जोई बाकियों के साथ मिलकर वहां से निकलने का एक प्लान बनाती हैं और वहां के गार्ड को चकमा देकर सभी को रिहा कर लेती हैं और वो साथ मिलकर उन समुद्री लुटेरों पर हमला कर देते हैं। पर जैसे ही राजकुमारी लॉर्ड ऑक्टोपस को मारने वाली होती है तभी यामाजाकी उसे बचा लेता है और इसके बाद उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, पर इस सब के बाद भी जोई लॉर्ड ऑक्टोपस को अपने निशाने पर ले लेती है, पर वही उसके सारे साथी पकड़े जाते हैं जिस कारण से जोई को अपना हथियार डालना पड़ता है और इस तरह से सभी को फिर से बंदी बना लिया जाता है।
पर अभी भी रोली और डोडू गायब होते हैं, जो किचन में धमाके की प्लानिंग कर रहे होते हैं। और थोड़ी देर बाद ही वहाँ एक जोरदार धमाका होता है जिसकी आवाज भाव को सुनाई देती है। और जब वो समुद्र में देखता है तो वहाँ उसे वही लुटेरों की जहाज नजर आती है, इसलिए वो साइमन को लेकर जहाज की तरफ निकल पड़ता है। पर रास्ते में उसे वही चिकन सूप का लेक मिलता है जिसके अंदर के रिस्टोरिंग पावर से कोई भी बीमारी खत्म हो जाती है। बाओ के उसे पीने के बाद वो वाकई में बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, इसलिए वो साइमन को भी उस सूप को पीने को कहता है। और बाओ के उसे कहने पर साइमन भी उसे पी लेता है, जिसके तुरंत बाद उसे पहले की तरह सब कुछ दिखाई देने लगता है। इससे खुश होकर साइमन वहां मौजूद बैम्बूज से एक नाव तैयार करता है और वो दोनों लॉर्ड ऑक्टोपस के जहाज की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं, जिससे उस झील में हलचल होने लगती है और उस झील में से एक जाइंट फ्रॉग बाहर आता है जो उनके शिकार के लिए उन पर अटैक कर देता है, इसलिए वो भी उसका सामना करते हैं। उसी दौरान बाओ का हाथ उस सैंड कप से निकल जाता है, पर वो फ्रॉग साइमन पर अटैक करने ही वाला होता है। उड़ने में बाओ साइमन को बचाने के लिए आ जाता है और इसके बाद वो दोनों टीम वर्क से उस फ्रॉग को बुरी तरह से डिफीट कर देते हैं, जिसके बाद वो फ्रॉग वहाँ से भाग जाता है। वहाँ साइमन बाओ से पूछता है कि हैंडकफ से आजाद होने के बाद भी तुम भागे क्यों नहीं। इस पर बाओ से कहता है कि हम दोस्त हैं और दोस्त कभी भी एक दूसरे को मुसीबत में छोड़कर नहीं भागते। पर साइमन उससे कहता है कि सामुराई के कोई दोस्त नहीं होते और हम अभी एक दूसरे के दुश्मन हैं। और इसके बाद वो बाओ को बेहोश कर देता है और वहाँ से फाइनली लॉर्ड ऑक्टोपस के पास चला आता है। उसे देखकर उसका भाई यामाजाकी बहुत खुश होता है और बाओ के बारे में पूछने पर वो कहता है कि वो जंगल में भाग गया, पर असल में साइमन ने उसे पेड़ पर उल्टा लटका दिया होता है। यहाँ लॉर्ड ऑक्टोपस फाइव फ्लेवर स्टोन को पाने का अपना मकसद बताता है। दरअसल वो उस स्टोन की मदद से दुनिया के सभी फ्लेवर्स पर कंट्रोल पाना चाहता था और अपने बॉडी के स्टिंकीनेस को दूर करके खुद को स्वीट में बदलना चाहता था और साथ ही अपने अलावा पूरी दुनिया को सॉल्टी बनाना चाहता था। उड़ने में बाओ अपने दोस्तों के लिए वहां आ जाता है, इसलिए लॉर्ड ऑक्टोपस के कहने पर साइमन को उससे फाइट करना पड़ता है। इस दौरान बाओ फिर से उसे लॉर्ड ऑक्टोपस का साथ ना देने को कहता है। तब साइमन को वहां कमजोर पड़ता देखकर यामाजाकी बाओ को मारने के लिए आ जाता है, पर साइमन का माइंड चेंज हो जाता है और वो अपने भाई से उसे छोड़ देने को कहता है। पर साइमन की इस गुस्ताखी के लिए उसे भी बंदी बना लिया जाता है। यामाजाकी बाओ को मारकर चट्टानों के बीच फंसा देता है और उसके मास्टर लू की छड़ी को तोड़कर वहां से सभी फाइव फ्लेवर स्टोन के सेक्रेट टेंपल की ओर निकल जाते हैं। पर वहीं बाओ को मास्टर लुचैन के विजन आते हैं, जो उसे समझाते हैं कि तुम्हारे अंदर एक हीरो है, बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है। मास्टर लू की इन बातों से बाओ को साहस आ जाता है और वो उस चट्टान से बाहर निकल आता है। वहीं लॉर्ड ऑक्टोपस कीपर के मैप के जरिए सेक्रेट टेंपल की ओर साइलेंट की ओर बढ़ रहा होता है। दूसरी ओर बाओ की जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि उन मंकीज के ग्रुप ने उसे बचा लिया था और उसके मास्टर लुचैन की छड़ी को भी जोड़ दिया होता है। इससे बाओ बहुत खुश होता है। वहीं अगली सुबह लॉर्ड ऑक्टोपस मैप के अनुसार सेक्रेट टेंपल के ट्रू लोकेशन तक पहुंच चुका था, पर वहां उसे कुछ नजर नहीं आता, इसलिए वो कीपर से गुस्से से इस बारे में पूछता है। पर तभी उस मैप से सनरे रिफ्लेक्ट होकर वहां मौजूद जाइंट रॉक्स पर आ पड़ती है, जिससे वहां एक रास्ता खुल जाता है और उसके जरिए होते हुए लॉर्ड ऑक्टोपस यामाजाकी के साथ फाइनली फाइव फ्लेवर स्टोन के सेक्रेट टेंपल तक पहुंच जाता है, जहां वो फाइव फ्लेवर स्टोन को अपनी आंखों के सामने देखकर बहुत खुश होता है। पर उसी दौरान बाओ अपने मंकी फ्रेंड्स के साथ अपने दोस्तों को छुड़ाने आ जाता है और अपनी उन आर्मी के साथ मिलकर बहादुरी के साथ उन फिशेस से लड़ते हुए अपने दोस्तों को रिहा कर लेता है, जिसके बाद सभी जल्दी से सेक्रेट टेंपल की ओर निकल जाते हैं। पर उनके लॉर्ड ऑक्टोपस तक पहुंचने से पहले ही वो उन स्टोन की शक्तियों से सॉल्ट का तूफान क्रिएट कर देता है, जिससे हर तरफ सॉल्ट ही सॉल्ट हो जाता है और सॉल्ट की तूफान से निकलने वाली वेव के कारण बाओ के साथियों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। लेकिन किसी तरह बाओ साइमन के साथ उस टेंपल के अंदर पहुंच जाता है, जहां उस स्टोन की मदद से लॉर्ड ऑक्टोपस बहुत शक्तिशाली हो चुका था।
उन्हें देखते ही वो यामाजाकी को उन्हें खत्म करने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद उनके बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। वहीं टेंपल के बाहर सॉल्ट की तूफान काफी स्ट्रॉन्ग होती है, जिसमें बाओ के साथी उन समुद्री क्रीचर्स का सामना कर रहे होते हैं। इधर बाओ और साइमन की यामाजाकी से कंटिन्यूअसली फाइट जारी होती है, जिसके अंत में साइमन अपने भाई को बुराई का साथ देने की वजह से मार देता है। उसी दौरान बाओ भी नंचक से लॉर्ड ऑक्टोपस का सामना करने की बहुत कोशिश करता है और उसे घायल कर देता है, पर इससे लॉर्ड ऑक्टोपस बहुत गुस्से में आ जाता है और सॉल्ट की एक जाइंट ऑक्टोपस में बदल जाता है और उन्हें मारने के लिए सॉल्ट की दीवारें बनाने लगता है। और जैसे ही वो दोनों वहां दीवार के अंदर कैद होने वाले होते हैं, उस दौरान वो हैंडकफ की मदद से वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, पर एक बार फिर से वो सॉल्ट की दीवार के अंदर चले आते हैं। पर जब साइमन को लगता है कि वो दोनों वहां से नहीं निकल सकते, तो साइमन खुद की कुर्बानी देते हुए बाओ को वहां से निकाल देता है। साइमन को खोकर बाओ बहुत दुखी होता है और गुस्से में लॉर्ड ऑक्टोपस के मुंह से उस फाइव फ्लेवर स्टोन को हासिल कर लेता है और उस स्टोन की शक्तियों का यूज करके फाइनली उसे मार देता है, जिसके बाद वहां सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इससे बाओ के साथी भी समझ जाते हैं कि लॉर्ड ऑक्टोपस का अंत हो चुका है। इधर बाओ घबराते हुए हर तरफ साइमन को ढूंढने में लगा होता है। उतने में राजकुमारी जोई अपने साथियों के साथ आ जाती है और टेंपल की दीवारों को गिरता हुआ देखकर समझ जाती है कि जल्दी ये जगह नष्ट होने वाला है, इसलिए वो बाओ को जल्दी से वहां से बाहर निकाल देते हैं और स्टोन को उसी सेक्रेट जगह पर सुरक्षित छोड़ देते हैं। उनके उस जगह से बाहर आते ही वो टेंपल पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, पर वो इंसानियत दिखाते हुए लॉर्ड ऑक्टोपस के सुधर चुके साथियों को भी बचा लेते हैं, जिसके बाद से वो उन्हीं के साथ ही रहने लगते हैं। पर बाओ अभी साइमन के लिए उदास होता है, इसलिए चोई उसे समझाती है कि साइमन एक रियल हीरो था और वो अपने इस महान काम के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। ये सुनकर बाओ को भी बहुत सुकून मिलता है और इसी के साथ ही ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और मूवीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।